नमस्ते किशन भाइयों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप अगर डीपी क्रॉस पालना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे कि आप इस वीडियो में पूरी जो जानकारी है वह जान सकते हैं। तो आपको अगर डीपी क्रॉस के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए होंगी तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डीपी क्रॉस जो एक ब्रीड है, यह गावरान ब्रीड में आती है और गवर्नमेंट ने यह जो ब्रीड है वो तैयार की, मतलब जो अपने देसी मुर्गी होती है ओरिजिनल, उसको क्रॉस कर करके यह एक ब्रीड इन्होंने तैयार की है। इसका यह ब्रीड का इन्होंने नाम डीपी क्रॉस दिया है। तो दोस्तों, डीपी क्रॉस जो ब्रीड है वह बहुत ही कम दिन में अच्छा वेट गेन करती है, जैसे कि 75 to 80 डेज में 1 किलो से अधिक इनका वजन हो जाता है। और कम दिनों में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मांस उत्पादन की प्रक्रिया अगर करना है तो यह जो ब्रीड है वह बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि मांस की जो डिमांड है वह दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके उधर डीपी क्रॉस, मतलब जो ब्रीड है यह गावरान की डीपी क्रॉस, इनके अगर आपके तरफ मार्केट है, जहाँ आपके आसपास अगर सेलिंग अच्छी तरह से होती है, तो आप इनका फार्म वगैरह डाल सकते हैं। यह जो ब्रीड है यह बहुत ही अच्छी है, मतलब दिखने में भी गावरान जैसी है और टेस्ट जो है वह भी गावरान है। मतलब बहुत से जो चिकन शॉप वगैरह आपने देखे होंगे, तो हर चिकन शॉप में यह आपको दिखाई देती है। ब्रॉयलर के साथ साथ यह भी ब्रीड बहुत ही मांस की जो डिमांड है यह मुर्गी की भी बहुत सारी है। अच्छी वेट गेन कम दिनों में करने के कारण इनकी जो डिमांड है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आजकल इनके चूजे भी मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि चूजों की बहुत सी लोगों की डिमांड आ रही है और इनके हैचरी जो है, मतलब यह ब्रीड जो है वह भी कम कम होती जा रही है। अगर आप थोड़ी मुर्गियाँ लेकर अंडे वाली अगर हैचरी वगैरह स्टार्ट करते हैं तो बहुत से आपको बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें आप 500,000 बर्ड्स लेकर भी आप शुरू कर सकते हैं, और 100-200 जैसे आपका बजट होगा वैसे आप लेकर यह शुरू कीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा हो और बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। जैसे आप पिल्ले वगैरह उनको सेलिंग कि आपने अगर इनके चिक्स वगैरह, तो बहुत सी जो डिमांड है वह आपके फार्म पर आ सकती है। और दोस्तों, जब अपन अंडे वाली मुर्गियाँ या रखते हैं डीपी क्रॉस, तो इनको लेयर फीड देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बचपन से अगर अपन ने इनको ब्रूडिंग वगैरह अच्छी तरह से की, उसके बाद में अगर फीड प्री स्टार्टर से लेकर तो लेयर फीड तक अपन ने इनको अच्छी तरह से दिया, तो बहुत ज़्यादा अंडे उत्पादन यह करते हैं। और इनका सालाना जो है वह 170 से 180 अंडे यह पर ईयर देते हैं, जिससे कि यह ब्रीड पालने में लोगों को और मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत से अंडे यह देने के कारण बहुत लोग यह ब्रीड को पसंद कर रहे हैं। और इनको जो कलर है वह भी बहुत वेराइटी में इनके कलर है, जैसे लाल है, ग्रे है, ब्लैक है, मिक्स है, ऐसे बहुत सारे जो कलर है यह गावरान ब्रीड में आते हैं। तो इसीलिए बहुत से जो कस्टमर है, मतलब फार्मर्स, वह बहुत यह ब्रीड के चूजे मांग रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी यह ब्रीड पसंद आई हो तो आप इनका फार्म स्टार्ट करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। पर शुरुआत में कम से शुरू कीजिए, और थोड़े दिन बाद अगर आपका मार्केट बढ़ गया तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसके बाद में थोड़ा बार इसमें से नॉलेज भी आपको आना चाहिए, और उसके बाद फीडबैक का कॉस्ट कैसे कम करें यह भी आपको जानकारी अगर चाहिए होंगी अपने चैनल पे, जो दूसरे वीडियो है वो आप देख देख के यह मुर्गी पालना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।